मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुर से सेलांगर शहर में भूस्खलन की घटना सामने आई, जिसमें अब तक 16 लोगों की मौत हो चुकी है जबकि 17 लोग लापता बताए जा रहे हैं। फायर एंड रेस्क्यू डिपार्टमेंट के मुताबिक मलबे में 23 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला गया है। घटना का सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। प्राप्त जानकारी के अनुसार मरने वालों में एक 5 साल का बच्चा और एक महिला भी शामिल है। 7 अन्य लोगों को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती किया गया है। कई लोग अभी भी मलबे में दबे होने की खबर है। इन्हें ढूंढने के लिए लगभग 400 पुलिस वालों को लगाया गया है। घटना के समय कैंप में मौजूद लोगों ने कहा कि देर रात करीब 2:30 बजे तेज गर्जन सुनाई दी और ऐसा लगा कि धमाका हुआ। हमें जमीन पर कंपन महसूस हुआ, इसके बाद लैंडस्लाइड हुई।